आनंद सागर कृत रामायण को बने 3 दशक से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन इस कथा के किरदार आज भी लोगों के दिलो दिमाग पर छाए हुए हैं। भगवान राम के रूप में अरुण गोविल, सीता माता के रोल में दीपिका और बजरंगी बली के रूप में दारा सिंह, सभी कलाकारों को दर्शकों ने प्यार के साथ साथ देवताओं की तरह अपार श्रद्धा भी दी है। जब बात रामायण के किरदारों की हो रही है और लक्ष्मण बने सुनील लहरी का जिक्र ना हो तो ये बिल्कुल बेमानी होगी। एक तरफ जहां भगवान राम का किरदार शांत और सौम्य स्वभाव का था, तो वहीं इसके विपरीत उनके छोटे भाई लक्ष्मण का किरदार ऐसा था जो बात बात पर उत्तेजित हो जाता था, आपक होकर किसी पर भी जल्दी हमला कर देता है। सुनील ने इस किरदार को अपने सशक्त अभिनय से हमेशा के लिए अमर बना दिया। सुर्पनखा की कटी हुई नाक और गुस्से से तलमिलाते हुए लक्ष्मण के हाथ में पकड़ी हुई तलवार, रामायण के इस कालजय सीन में सुनील की एक्टिंग देखकर आज भी दर्शकों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लक्ष्मण बने सुनील लहरी का जन्म 9 जनवरी साल 1961 को मध्य प्रदेश के दमोह जिले में एक मध्य वर्गीय परिवार में हुआ था। इनके पिता डॉक्टर शिखर चंद्र लहरी पेशे से एक डॉक्टर थे, जो कि एक मेडिकल कॉलेज में पढ़ाया करते थे। परिवार में माता पिता के अलावा सुनील के 3 भाई और हैं। सुनील जब छोटे थे तब इनका परिवार दमोह से भोपाल में शिफ्ट हो गया और इन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई को पूरा किया। सुनील को एक्टिंग का शौक बचपन से ही था। वो हमेशा स्कूल के फंक्शंस और एक्स्ट्रा एक्टिविटी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया करते थे। इन्होंने बचपन से ही ठान लिया था कि वो बड़े होकर फिल्मी दुनिया में ही करियर बनाना चाहते हैं। स्कूली पढ़ाई पूरी हुई तो सुनील मुंबई चले आए। यहाँ विल्सन कॉलेज में आर्ट्स एंड कॉमर्स में ग्रेजुएशन पूरा किया और फिल्मी दुनिया में करियर तलाशना शुरू कर दिया। सुनील लहरी अपने युवा दिनों में बेहद हैंडसम हुआ करते थे। अट्रैक्टिव पर्सनालिटी के चलते इन्हें जल्दी फिल्मों में काम भी मिल गया। साल 1980 में सुनील को अपने फिल्मी करियर का पहला चांस मिला ख्वाजा अहमद अब्बास की फिल्म द नेक्स्ट लाइट से। इस फिल्म में वो मिथुन चक्रवर्ती और स्मिता पाटिल जैसे दिग्गज कलाकारों के साथ नजर आए, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही और सुनील लहरी को अगली फिल्म के लिए 5 साल का इंतजार करना पड़ा। साल 1985 में सुनील एक बार फिर से बड़े पर्दे पर दिखाई दिए जयप्रकाश विनायक की फिल्म फिर आएगी बरसात में। इस फिल्म में वो लीड रोल में थे। इस फिल्म को दर्शकों ने नकार दिया। हालांकि इस फिल्म का संगीत काफी हिट हुआ और इसके गानों को भी खूब प्रशंसा मिली थी। बड़े पर्दे पर कुछ खास सफलता नहीं मिली तो सुनील ने छोटे पर्दे पर रुख कर लिया। सबसे पहले उन्होंने दूरदर्शन के सीरियल दादा दादी की कहानियों में अभिनय किया। इसके बाद प्रेम सागर के टीवी सीरीज विक्रम और बेताल में कई अलग अलग भूमिकाएं निभाते हुए भी नजर आए और यहीं से सुनील लहरी को नया फेम मिलना शुरू हो गया। साल 1987 में रामानंद सागर अपने सीरियल रामायण के लिए स्टार कास्ट चुन रहे थे। सुनील लहरी की एक सह कलाकार बेबी नाज ने उनसे रामायण के लिए ऑडिशन देने को कहा। सुनील ने 150 कलाकारों के बीच लक्ष्मण के किरदार के लिए ऑडिशन दिया। आखिरकार उनका चयन हुआ और उन्होंने इस मुश्किल रोल को इस तरह से निभाया कि दर्शकों के साथ साथ रामानंद सागर के भी चेहरे बन गए। लक्ष्मण का रोल ऐसा था जो हमेशा गुस्से में रहता था। कहा जाता है कि शूटिंग के समय रामानंद सागर उन्हें टाइम से खाना नहीं देते थे। सुनील को इस बात पर बेहद गुस्सा आता था और उनके ये हाव भाव किरदार के लिए शूट किए जाते थे। वैसे असल में सुनील लहरी रामानंद सागर के बेहद प्रिय थे और यहाँ तक कि वो उन्हें अपना छठा बेटा मानते थे। रामायण के बाद सुनील की लोकप्रियता काफी बढ़ गई थी। साल 1990 में वो एक प्रचलित टीवी शो परमवीर चक्र में नजर आए। चेतन आनंद द्वारा निर्देशित इस सीरियल में सुनील ने एक सैन्य अफसर की भूमिका निभाई, जिसे खूब पसंद किया गया। इसके बाद फिर सुनील को फिल्मों में ऑफर मिलने लगे। साल 1991 में सुनील की फिल्म बहारों की मंजिल रिलीज हुई, लेकिन ये फिल्म भी असफल रही। इसके बाद वो जजीरा, बहारों की मंजिल, जन्म कुंडली और आजा मेरी जान जैसे फिल्मों में अभिनय करते नजर आए, लेकिन ये फिल्में भी खास कमाल नहीं कर सकी। दरअसल रामायण के बाद उनकी छवि दर्शकों के मन में भगवान के रूप में बस चुकी थी। शायद अब दर्शक भी उन्हें मॉडर्न रूप में स्वीकार करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। आखिरकार सुनील लहरी का भी वही हाल हुआ जो रामायण के बाकी कलाकारों का हुआ। 90 दशक के बाद उन्हें काम मिलना बिल्कुल बंद हो गया। साल 2012 में सुनील के पिताजी का देहांत हो गया। उन्होंने अपने पिता की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करते हुए उनकी डेड बॉडी भोपाल के एक मेडिकल कॉलेज को डोनेट कर दी थी।
अगर बात की जाए सुनील लहरी की पर्सनल जिंदगी की तो उन्होंने दो शादियां की हैं। पहली पत्नी का नाम राधा सेन था और दूसरी पत्नी जो कि वर्तमान में उनके साथ रहती है उनका नाम भारती पाठक है। सुनील लहरी अब बड़े पर्दे पर तो नहीं लेकिन उन्होंने अभिनेता अरुण गोविल के साथ मिलकर अपना एक प्रोडक्शन हाउस खोला हुआ है। इसके अलावा मुंबई में शिखर मूवी के नाम से उनकी एक एड कंपनी भी है जिसमें फिक्शन शो भी बनाए जाते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो फिल्में और अभिनय सुनील को बचपन से ही प्रिय रहे हैं और यही वजह है वो आज भी किसी न किसी रूप में एंटरटेनमेंट की दुनिया से जुड़े हुए हैं। लेकिन जब भी टीवी के धारावाहिकों का जिक्र होगा रामायण की बात हमेशा होगी और इसी के साथ लक्ष्मण के रूप में उनका नाम और काम जरूर याद किए जाएंगे।